ठीक है ना। तो मेरा लॉजिक क्या है, अगर ये बड़ा है या बराबर है कोई दिक्कत नहीं। अगर केवल बड़ा करेंगे और हमने यहां 70 लिख दिया तो 70 से बड़ा बोल रहा है, 70 नहीं आएगा। अगर मैं कहूं कि 71 है, 62 है, 32 है, ऐसे 62, 72, 82, हम यहां पर बोल रहे हैं आपको कि वो नंबर निकालिए जो 70 इसको यहां और यहां पर वो नंबर निकाल के हमको बताइए जो 70 से बड़े हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 72, 82, 70 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने कहा है 70 से बड़ा, तो 70 अपने आप में 70 है लेकिन उससे बड़ा नहीं। आई एम राइट और रॉन्ग? इसीलिए इस फॉर्मूला में मुझे क्या देना होगा, इक्वल टू, इफ लॉजिकल टेस्ट इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है। अगर ये मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, ट्रू डिसीजन। तो ट्रू वो बोल रहा है समझाने के लिए, आप लिखना क्या चाहते हैं, रैंक होल्डर, क्या लिखना चाहते हैं, रैंक होल्डर। अगर आपको आंसर नंबर में देना हो तो सीधे टाइप कर दीजिए, और अगर आपको आंसर वर्ड में देना है, टेक्स्ट में देना है, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अभी तक मेरा ट्रू ही चल रहा है, कॉमा देंगे तो ट्रू मेरा पॉजिटिव हुआ, अब कहाँ गया, कहाँ गया वैल्यू, इफ फॉल्स, यानी कि अगर यह कंडीशन नहीं मैच करता है तो क्या करेगा, मैच करेगा तो क्या पास करेगा, रैंक, और अगर नहीं मैच करेगा तो क्या पास करेगा, पास, नॉर्मल पास। लॉजिक थोड़ा बहुत आ रहा है आपको, रैंक से मतलब नहीं है, लॉजिक से मतलब है कि यह फॉर्मूला या इस तरह के टेस्ट आप अपने दिमाग में खुद सोच पाइए, कोई दिक्कत है? चलिए हम 3-4 एग्जाम्पल दे देंगे कैंसर, तो फिर मुझे क्या पास करना है, पास, मेरा ये हो गया। अच्छा, इस वाले चीज को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, फॉर्मूला सिंटैक्स, याद रखिएगा, कभी हम आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं, लिख लीजिए ये वाला चीज जो है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला सिंटैक्स, ब्रैकेट बंद, फॉर्मूला का सिंटैक्स गायब, मतलब मेरा फॉर्मूला सही काम कर रहा है अभी तक तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला तो सही कर रहा है, 70 से छोटा है तो पास आना चाहिए। अभी हम दूसरा करके पहले देखते हैं, ये भी सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, 70 से छोटा है, ये भी सही है।